कहे तू कासिम है, कोई कहे कैलाश। नमस्कार दोस्तों, एजी पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक न्यू ट्रेंडिंग जो कि भगवान शिव का स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VNF को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने भगवान शिव के जो कि 14 पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से पहले भगवान शिव के जो 14 पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से आपको इधर से पहले मैं यहाँ से 14 पोस्ट रहेंगे वो ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से पहले अपने भगवान शिव के 14 पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से मैं 14 पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ से मैंने जो भगवान शिव के 14 पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने यहाँ से भगवान शिव के 14 पोस्ट है वो ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके 14 पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है, 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन जो कि भगवान शिव नाम का एक पोस्ट मिलेगा उसे ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं इधर वो भी ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारा फोटो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्लासिक बन के रेडी हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ से भगवान शिव का ये वाला ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर नीचे की तरह इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इधर नीचे की तरह एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखेगा वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से 9/16 नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों इधर से हमने फोटो को कुछ इसी तरह से जूम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से जूम करोगे तो बहुत ही क्लासिक और बहुत ही डेंजर देखने को मिल जाएगा। और पीछे वाले भाग को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इधर म्यूजिक आपका ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से म्यूजिक बीट पर क्लिक करोगे या फिर आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड उसी तरह से बीट ऐड कर लेना है। 4 सेकेंड ऐसे आपको 15 सेकेंड तक आपके बीट है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसे हम थोड़ा जूम करेंगे जो कि हमारा वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक और बहुत डेंजर बन के रेडी हो जाएगा। उसी तरह से मैं इधर अपने पोस्ट सभी पोस्टों को आपको अपने बीट के हिसाब से कर देना है जो कि हमारा जो पोस्ट रहेगा वो काफ़ी क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से यहाँ पर आपको सभी पोस्टों को बीट के हिसाब से कर देना है। तो दोस्तों मैं इधर से कुछ इसी तरह से एडिटिंग करके आपको जल्दी जल्दी इधर से आपको सभी बीटों को आपके पोस्टों को बीट के हिसाब से सभी एंडिंग तक कर देना है। एंडिंग तक करोगे तो आपके बीट रहेंगे वो बहुत ही क्लासिक लगेंगे। और उसी तरह से आपको एफएक्स में जाना है और उसमें आपको एफएक्स में जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना पहला इफेक्ट रहेगा वो आपको जटर लेफ्ट वाला रहेगा। तो इसे आपको फुल करके यस पर क्लिक कर देना है। और उसी तरह से दूसरे इफेक्ट में जाना है और एफएक्स में क्लिक करना है। और उसी तरह से इधर दूसरे में आपको साइड राइट का इफेक्ट है तो ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको वापस इसमें एफएक्स में क्लिक करना है और उसी तरह से आपको जटर लेफ्ट का कर देना है। और उसी तरह से दूसरे इफेक्ट में आपको एफएक्स पर जाना है और इधर साइड राइट का इफेक्ट है ये का ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको अपने पूरे वीडियो में जो पहले में ये अपने जटर लेफ्ट का है उसी तरह और दूसरे में साइड राइट का तो उसी तरह से पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर आपको एंडिंग वाला ऑप्शन पर आना है और यहाँ से जूम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और पहले में आपको लेफ्ट वाला है तो ये लेफ्ट वाला इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। और उसी तरह से दूसरे में आपको जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये इधर राइट वाला है तो राइट वाला ऐड कर लेना है। उसी तरह से इधर आपको वापस इधर लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाला कर देना है। और उसी तरह से इधर से लेफ्ट राइट वाला है तो उसी तरह से राइट वाला कर देना है। उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में एंडिंग तक कर देना है। करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है या से यस पर क्लिक कर देना है जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।